कि नदियां इन दिनों उफनाई हुई है। नदी में पानी के तेज बहाव से तटीय इलाकों में कटाव भी जारी है। हाल ही में कई पुल और पुलिये नदी में समा चुके हैं, पर आपको पश्चिम चंपारण का एक ऐसा पुल दिखाते हैं जो सालों से अप्रोच पथ की बाट जो रहा है। बीच नदी बगैर अप्रोच पथ के खड़े इस पुल की आखिर क्या है कहानी, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। बिहार में हाल के दिनों में कई पुल पुलिये नदी की तेज धार में बह गए, धड़ाम हो गए। आए दिन पुलों की कहानी सामने आ रही है, पर आज हम आपको पश्चिम चंपारण के एक अजूबे पुल की कहानी बता रहे हैं जो बीच नदी में अटका पड़ा है, वो भी एक दो साल से नहीं, पूरे 10 साल से। बिहार में पुलों के ध्वस्त होने की कई कहानियां तो जरूर है, लेकिन बगहा में एक अजूबा पुल भी है जो गंडक नदी की बीच धारे में लटकता हुआ पुल है। आप देख सकते हैं तस्वीरें और इसकी कहानी भी कुछ अलग है। अप्रोच पथ के लिए 10 साल से इंतजार में खड़ा ये पुल पश्चिम चंपारण के मंगलपुर में है। गंडक नदी की बीच धारा में मौजूद इस पुल तक पहुंचना आसान नहीं, जबकि 10 साल पहले इस पुल से होकर लोग गुजरते थे। यूपी की सीमा तक इसका संपर्क पथ था, पर गंडक नदी की बदलती धारा ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। इस पुल पे तो हम लोग गन्ना गिराए हैं, अपना ट्रैक्टर ले गए हैं, हम लोग का खेती उधर था। नदी जब आया तो उधर का थोड़ा सा अप्रोच टूटा था, उसके बाद से उस पर कोई मरम्मती नहीं हुआ, धीरे धीरे टूटते टूटते पूरा दोनों साइड का टूट गया। गंडक नदी की बदलती धारा ने पहले जहां संपर्क पथ को ध्वस्त किया, तो विभागीय उदासीनता की वजह से पिछले 10 साल से ये पुल संपर्क पथ के इंतजार में यूं ही खड़ा है। स्थानीय विधायक ने इसके अप्रोच पथ को जल्द शुरू कराने का आश्वासन दिया है। वो अभी अधर में पड़ गया है, सरकार से मैं मांग करूंगा और बहुत जल्द माननीय मुख्यमंत्री से मिलूंगा, विभागीय पदाधिकारियों से मैं इस पे चर्चा करूंगा कि जल्द से जल्द इस अलाइनमेंट पे रोड का निर्माण करवाकर इस पुल को सुचारू रूप से चलाने का प्रयास किया जाए। सरकार बिहार के खस्ताहाल पुल पुलियों के कायाकल्प की बात करती है, पर पश्चिम चंपारण के इस पुल की दशा देखकर समझा जा सकता है कि सरकारी महकमा कितना गंभीर है। लोगों की आवाज भी नहीं सुनी जा रही, तो 10 साल से खड़ा ये पुल यदि अप्रोच पथ न बन पाए तो विकास के दावों को मुंह चिढ़ाती तस्वीर से ज्यादा ये कुछ नहीं। नाराज न्यूज 18 बगहा। कोसी के कटाव का दंश झेल रहे सुपौल के लोग अब निराश हैं। निराशा इस बात की कि कम की हर साल कटाव में उनका सब कुछ खत्म हो जाता है। निराशा इस बात से ज्यादा हो रही है कि इस बार मुसीबत से निकाल ले जाने का झूठा आश्वासन देते हैं। सुपौल सदर प्रखंड में कोसी नदी जमीन निगल रही है। मुंगरार, बलवा और डुमरिया गांव में तबाही का सैलाब है। अब तक 200 से अधिक घर कट चुके हैं और कुछ इमारतों की ईंट खुद घर वाले निकाल रहे हैं। भगवान ने भी मंदिर समेत समाधि ले ली है। जिस खाट पर सोते थे आज हालात तो ऐसे हैं कि खाट कंधों पर है और आंखों में नींद नहीं है। मुखिया प्रतिनिधि ने हाथ जोड़कर कम्युनिटी किचन चलाने की अपील की है। वो यही मांग है कि मेरे समाज को, मेरे जनता को कम से कम ज्यादा से ज्यादा घर थोड़ी बना देंगे क्या? अगर घर भी बना देंगे तो ये बहुत बड़ी बात होगी, कम से कम खाने के लिए तो कुछ मिल जाए। सेकंड दर सेकंड जमीन की दरारें शून्य हो रही हैं। जीवन को सुरक्षित उस पार ले जाना है तो नाव के पैसे देने होंगे। जमीन के इस टुकड़े की लड़ाई कौन लड़े, ये पारिवारिक नहीं अब प्राकृतिक मामला है, इसलिए सब चुप हैं, स्तब्ध हैं। विधायक ने अभी तक प्लास्टिक तक नहीं मिला है, चूरा चिन्नी जो भी होता है, खाने तक का सामान लोग का पानी में जलमग्न हो गया है और इतनी भयावह दृश्य है कि हम लोग को देख के भी रूह कांप उठता है। तबाही तब भी थी जब बाढ़ आई थी
और तबाही अब भी है जब कटाव हो रहा है। कल तक सब कुछ इनका था, जिनके आशियाने की दीवार अब नहीं है, जो दिख रहा है वो भी अब नहीं रहेगा। खाने के लिए तरस रहे हैं, कुछ नहीं छा बाबू, कतो कुछ ना, घर दुआ बेचे ना, स्टमरो वाला सब घर बेच के दान बेच के दे छिए बाबू, हे बाबू जंका उझले छी, कोनो उपाय नहीं। पांव में पानी की रस्सियां हैं, अपनी जमीन से जुड़ाव है, आंखों में पानी का समंदर है, मगर सामने सैलाब है, जाए तो कहां, अब यही सवाल है। अमित कुमार झा, सुपौल, न्यूज 18।